गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकरिया इस जयकारे के साथ आज गणपति मंडलों से सभी बड़ी गणपतियां जो 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित होने के लिए मंडलों से निकलती हैं। आज के दिन अनंत चतुर्दशी है और ऐसे में जो काफिला है वो गणपति मंडलों का निकल चुका है। इस समय आप तस्वीर परेल के राजा की देख रहे हैं जो मुंबई के परेल इलाके में है, उनकी बड़ी गणपति मंडल लगाई जाती है। और इस समय जो आप मूर्ति की भव्यता देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत मूर्ति इस बार बनाई गई है, आप देखें कितनी ज़्यादा सावधानी यहाँ पर बरतनी पड़ती है। मुख्य रोड से होते हुए इन्हें अंदर गली के अंदर दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा। कारण ये है कि परेल के राजा जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, आगे जाके लालबाग के राजा समेत जितने भी दूसरे बड़े गणपति मंडल है, तेजुकाया समेत चिंचपोंगली के चिंतामणि और जो मुंबई के राजा हैं वो सभी निकलते हैं। ऐसे में काफी लंबा समय लग सकता है, तो इस वजह से दूसरे रास्ते से इस समय परेल के राजा की मूर्ति, भव्य मूर्ति जो भगवान इंद्र के अवतार में इस बार दिखाई गई थी, करीबन 22 से 23 फीट की बप्पा की यह मूर्ति भव्य जो आकार की है वो इस समय प्रस्थान अपने मंडल से करते हुए निकल चुकी है। और घरों के बालकनियों पर आप देखें किस तरीके से नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी खड़े हैं बप्पा की आखिरी तस्वीर आंखों में कैद करने, मोबाइल में कैद करने, ताकि बप्पा अगले साल फिर से लोगों के बीच में आए और उन्हें आशीर्वाद दे। और अभी की तरफ आप नीचे अगर आप तस्वीरें देखें तो भक्तों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। सड़क पर एक तरफ ट्रैफिक के लिए गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, तो वहीं मुंबई में परेल के राजा की इस समय जो सवारी है वो निकल चुकी है और आगे धीरे धीरे करते हुए भक्तों का हुजूम भी परेल के राजा के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और गिरगांव चौपाटी पर परेल के राजा का भी विसर्जन आज देर शाम तक या रात तक किया जाएगा। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।